शिव मंत्र अर्थ महत्व और लाभ। भगवान शिव या महादेव हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है और ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति के तीन देवताओं में से एक है। उन्हें एक जटिल चरित्र माना जाता है जो सुरक्षा, परोपकार और अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है। शिव को हिंदू धर्म का सबसे उदार और परोपकारी देवता माना जाता है और उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, जिनके पास सोने का दिल है और भक्ति और प्रेम के साथ आसानी से आशीर्वाद दे देते हैं। वह समय से भी जुड़े हुए हैं और निर्माता और संहारक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि ब्रह्मांड एक चक्र में काम करता है और प्रत्येक 2 अरब 16 करोड़ वर्षों में पुनः उत्पन्न होता है। भगवान शिव हर चक्र में ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले हैं और एक नई शुरुआत के साथ एक नया निर्माण करते हैं। भगवान शिव संयमी हैं और दुनिया के किसी भी प्रकार के सुखों में लिप्त नहीं होते हैं और केवल पूर्ण सुख पाने के लिए ध्यान करते हैं। सभी में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता होने के साथ साथ भगवान शिव ब्रह्मांड के काले तत्वों जैसे बुरी आत्माओं, भूतों, चोरों और लुटेरों के भी नेता हैं। ऐसे कई नाम हैं जो शैव लोग भगवान शिव की पूजा और स्तुति करते समय उपयोग करना पसंद करते हैं, जैसे कि शंभु, शंकर, महेश और महादेव। ऐसे विभिन्न रूप हैं जिनमें भगवान शिव को एक शांत मनोदशा में उनके चेहरे पर खुशी के साथ उनकी पत्नी पार्वती और बच्चों गणेश और कार्तिकेय के साथ लौकिक नर्तक नटराज रूप में, एक भिखारी या योगी के रूप में, एक अछूत के रूप में दर्शाया गया है। कुत्ते भैरव के साथ एक तपस्वी ध्यानी के रूप में और कई अवसरों पर आधे पुरुष आधे महिला रूप में उनका और उनके दूसरे आधे अर्ध नारीश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांपों पर अपनी उभयलिंगी शक्ति को देखते हुए वह संयमी और उर्वरता का प्रतीक हैं और जहर और दवा दोनों के स्वामी हैं। भगवान शिव के और भी कई रूप और शक्तियां हैं और हर एक अन्य की तरह ही पवित्र हैं। शिव मंत्र आखिर वे मदद कैसे करते हैं? भगवान शिव एक ही समय में विनाश और सृजन के देवता हैं और दया और कृपा के प्रतीक हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है और भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आसान है। उन्हें समर्पित कुछ अनुष्ठान और पूजाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें विभिन्न मंत्रों का पाठ शामिल होता है, जिसके माध्यम से भक्त जीवन में सफल होते हैं। शिव मंत्रों के नियमित जाप से व्यक्ति भीतर से अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और उसकी आत्मा लोहे की मुट्ठी के समान हो जाती है, जिसे किसी भी दुर्घटना से तोड़ा नहीं जा सकता। जो लोग शुद्ध आत्मा के साथ शिव मंत्रों का जाप करते हैं वे जीवन में कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और इससे एक बेहतर और मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं। ये मंत्र किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में भी मदद करती है जो व्यक्ति के अंदर या उसके आसपास हो सकता है और उनके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। शिव मंत्र का जाप कैसे करें? अधिकांश मंत्रों की तरह शिव मंत्रों का भी सुबह जल्दी स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर जाप करना चाहिए। शिव मंत्रों का जाप दिन में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन शिव मंत्रों का जाप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करना श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर कोई जप करने का सही समय चूक भी जाता है तो भी ये माना जाता है कि शिव मंत्रों का जाप कभी भी किसी भी प्रहर में, यानी कि वैदिक ज्योतिष में समय की एक इकाई लगभग 3 घंटे लंबा कही जाती है, तो वो उस समय भी किया जा सकता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और उस दिन शिव मंत्रों की प्रार्थना और जाप करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि सोमवार के दौरान भगवान शिव
आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनकी पूजा करके शिव मंत्रों की शुरुआत करनी चाहिए। एक समय में 108 बार शिव मंत्रों का जाप करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि इससे सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। शिव मंत्रों का जाप जोर से या मन में किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण शिव मंत्र, पंचाक्षरी शिव मंत्र। माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी थी और उन्होंने माँ काली और माँ दुर्गा के रूप में अवतार लिया था। माता पार्वती सती या दक्ष की पुत्री दक्षिणायनी का अवतार थी। दक्ष ब्रह्मा के पुत्रों में से एक थे और उन्हें मानव संसार को आबाद करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने भगवान शिव को सती के पति के रूप में स्वीकार नहीं किया और एक यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपने पिता के फैसले से परेशान होकर उसने अपने पति से कहा कि वह उसे अनुष्ठान में जाने दे और उसके पिता को समझाए कि वह जो कर रहा है वो दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन समझने की बजाय दक्ष ने आगे बढ़कर भगवान शिव का और अधिक अपमान किया, जिससे सती क्रोधित हो गई। अपने पिता के अपने पति के प्रति अनादर और अपने पिता दक्ष के प्रति उनकी बढ़ती हुई घृणा के कारण उन्होंने खुद को यज्ञ की आग में झोंक दिया। यह भी माना जाता है कि उसने स्वयं को या मानव शरीर को शक्ति की शक्ति से नष्ट कर दिया था, जो कि उसका सच्चा स्व था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अर्थात ओम शिवाय नमः। मैं भगवान शिव की शरण में हूं और उनकी पूजा करता हूं। पंचाक्षरी शिव मंत्र जप के लाभ। इस मंत्र का अर्थ है कर्ता शिव को प्रणाम कर रहा है। शिव यहां सर्वोच्च वास्तविकता या आंतरिक स्व है, तो इस मंत्र का जाप आंतरिक स्व के लिए प्रदान करना और प्रार्थना करना है। जो लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आंतरिक क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है। अगर कोई अपने आसपास के माहौल को लेकर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और सुरक्षा मांग रहा है, तो इस मंत्र का जाप करने से उसे सुरक्षा का एहसास होगा। व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से घिरा रहेगा। पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि सोमवार की सुबह का होता है। इस मंत्र को 108 बार जाप करने की संख्या, पंचाक्षरी शिव मंत्र का पाठ कौन कर सकता है। इस मंत्र का जाप उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके करें, और कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चे हों, स्त्री हों, वृद्ध हों या युवा हों। इसका पूर्ण फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।